छः किलो देसी चिकन, दाल पकड़ा है यहाँ पे। हँसो हँसो, रागत गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग टुडे। सो आज हम लोग कंट्री चिकन का कुकिंग करने वाले हैं। सो टोटल 6 केजी ऑफ चिकन है एंड देसी स्टाइल पे कुकिंग होगा। सो चलिए आपको बताता हूँ क्या है प्रोसेस कुकिंग का। ऑनियन, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, तो आज का कुकिंग पर्सन है मेरे चाचा जी। तो आगे बताएंगे आपको प्रोसेस चाचा जी कुकिंग का। तो ये टमाटर हो गया कुकिंग, दस थोड़ा टमाटर 10 मिनट के लिए गल जाए। अभी टमाटर पक गया है, इसमें अभी मसाला का डाल दिया, हल्दी डाल दिया, ये गरम मसाला पेस्ट। धनिया पाउडर, छः किलो देसी चिकन, यहाँ पे वेजिटेरियन कुकिंग हो रहा है। मेरी बुआ, चाची और दाल पक रहा है यहाँ पे, तो पेट भर के खा रही है। मेरे दो चाचियाँ सर्व करते हैं सबको। ये बात देखो, कितना खाना खाते, कितना खाना खाते।
देख देख कैमरे देख হাসো হাসো রাগাচ্ছে। लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हो गया कुकिंग करते हुए एंड आगे हम लोग को चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो चिकन फ्राई हो रहा है अच्छे से। तो आपको रेगुलरली इसको स्टेयर करते रहना पड़ेगा, ध्यान रहे नीचे लगना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने फिर से ढक दिया इसको ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए चिकन। सो देखते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट के बाद ऑलमोस्ट कुक हो गया, बॉयल हो गया चिकन। अभी इसमें पानी ऐड करना बाकी है खाली, बस देन बन जाएगा। पानी मिलाने के बाद 10 मिनट ढक के कुक कर लिया हमने एंड ऑलमोस्ट अभी ये बन गया चिकन मसाला। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখন আপনারা, এখন আমরা চিকেন খাচ্ছি। তো 80% বয়েল হয়ে গেছে, একটু পরেই আমরা 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 খাওয়াতে যাবো। সবাই একবারে হামলা করবো, সুন্দর পাক হয়েছে। এই গ্রেডেডটা পুরো মেজে মামা যাচ্ছে। ও কালারটা দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দরই।